बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने फिर से हाजिर है और आज की वीडियो में एक ट्रायल सेट का मैं शो करवाने जा रहा हूं, तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भाई भी इंजॉय कर सके। दूसरी बात ये है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हो सकता हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ना भी हो सकता हो तब भी जाके सब्सक्राइब कर ले। रिपोर्ट में लगा हुआ हूँ मशीन की तरफ, पर एनी वे वीडियो को चलाते हैं। चेहरा आप जानवर का देख सकते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा है, लंबे चेहरे में खूबसूरत बारीक आँख है और नीली आँख है। नौका माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मजबूत नौका है। जबड़ा अगर आप जानवर का देख सकें तो बहुत खूबसूरत जबड़ा है। नली आप देख सकते हैं, चौरस नली है, बेहतरीन नली है। कील इसके बिल्कुल पॉइंट पे है, जो कि एक अच्छी निशानी है। बाकी आप पंजा देख सकते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन पंजा है, लंबे नाखूनों में और बिल्कुल सूखी इन नली है, जो कि एक अच्छी अलामत मानी जाती है मैदान के हवाले से। बाकी ओवरऑल आप जानवर का स्टांस देख सकते हैं, सावे कलर में, माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है। अक्सर औकात आपको सभी जानवर जो मिलते हैं वो कालों में से ही बन के मिलते हैं, तो इनसे अगर बच्चे बाद में अच्छी मादियों के साथ निकाले जाएं तो ज़्यादातर चांस होता है कि आपको काले बच्चे मिल जाएं। पर एनीवे उस टॉपिक में नहीं जाते, इंशाल्लाह वो कलर्स पे कभी मैं आप भाइयों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ये जानवर पर आता हूँ, माशाल्लाह बेहतरीन जानवर है, खूबसूरत जानवर है और हर लिहाज से मुकम्मल है। साथ में एक दो मादियाँ हैं जिनका मैं आप भाइयों को शो करवाता हूँ। पहली मादी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन मादी है, लंबे चेहरे में, किली ताजी और आँख की क्वालिटी आप देख सकते हैं, मियारी आँख है, नोखा बहुत ही बेहतरीन है, चेहरे में किसी किस्म की कमी नहीं है। आज वीडियो आपको ऐसे कट कट के नज़र आ रही होगी, उसकी वजह यह है क्योंकि जानवर अंडों में और मस्तियाँ कर रहे हैं, तो उस वजह से हाथ में आधी नहीं है। तो मैंने कहा चलो जैसे भी है कुछ ना कुछ वीडियो आप भाइयों के लिए बना लूँ और आप भाइयों को शौक करवा लूँ, हल्का पुल्का ही सही पर आप भाइयों का थोड़ा सा शौक हो जाएगा। बाकी आप जानवर का चेहरा देख सकते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन चेहरा है, आंख की क्वालिटी मियारी है। जैसे कि नर में नीला दायरा जा रहा था, उसी तरीके से इसमें भी आंख में नीली दायरा जा रहा है। बाकी नली आप देख सकते हैं, गोल नली है, बेहतरीन नली है, बिल्कुल सूखी नली और काली दानियां नली पे जा रही हैं। नाखून इसके भी बड़े, पंजे बहुत ही ज़बरदस्त बड़े पंजे हैं। स्टांस अगर आप मादी का देख सकते हो तो बहुत ही बेहतरीन स्टांस में, खुले दुम में, लंबे वेल की मादी है और हल्की मादी है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गोशदार मादी है, मतलब हल्की मादी है, और हल्की मादी का मुराद ये है कि मैदान में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। ऐसी हल्की मादियों के बच्चे जो है वो मैदान में काफ़ी अच्छे उड़ते हैं, तो उस हवाले से मैं बता रहा हूँ। साथ में अगर आपको ये चीनी पट्टी नज़र आ रही हो, इसका मैं कभी शो करवाऊँगा, बेहतरीन पट्टी है, अब भाई उनको बहुत ही पसंद आने वाली है। अच्छा, दूसरी मादी का मैं शो करवाता हूँ, ये उसी मादी की बहन है, माशाल्लाह बेहतरीन मादी है, किली ताजी, नौका बेहतरीन, आँख की क्वालिटी मियारी, ज़बरदस्त आँख है, आँख में बिल्कुल किसी किस्म की कमी नहीं, चेहरा बहुत ही ज़बरदस्त, हल्की पत्तियाँ नज़र आ रही है। ये पुराने नस्ल में से जब जानवर आते हैं तो उसमें थोड़ी सी पत्तियाँ आपको हल्की फुल्की नज़र आ रही होंगी, पर एनीवे माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है और मियारी चीज़ है। इंशाल्लाह मैदान में इसके बच्चे मैं उतारूंगा इस साल, इस मादी के बहुत अच्छे बच्चे बने और मैं फिर आप भाइयों को ज़रूर शो करवाऊंगा। नली आप देख सकते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत नली है, इसकी भी काली धारियाँ ही आ रही हैं अपनी बहन की तरह। इसमें थोड़ा सा नीलापन ज़्यादा आ रहा है, उसमें कालापन थोड़ा सा ज़्यादा था। नाखून इसके भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, और अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर का मैं आप भाइयों को बता सकूँ तो अच्छे लंबे वेल में है। और माशाल्लाह वीडियो को यहाँ पे अख्तिताम पे पहुँचाते हैं क्योंकि काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, और वीडियो में मैं ज़्यादातर बातें इस वजह से भी नहीं बोल पाता क्योंकि छोटी वीडियोस होती हैं तो इतने डिटेल में मैं नहीं जा सकता, तो जितना मेरे से हो सकता है वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वसलाम।